कल अमित शाह आ रहे आपके बगल में सीताब बिहारा अलग कोई बिहार आवे कहीं जाए इसमें क्या फर्क पड़ता है लेकिन जनता दल यू राजद के लोग डर के मारे कांपते हैं अगली बार नालंदा आएंगे और दो दो हाथ करके दिखलाएंगे बिहार के अंदर भाई कुश्ती लड़नी है क्या कि दो दो हाथ करने को तैयार। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में जहां पर जेपी की जयंती मनाई गई है। देखिए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने माला अर्पण किया है, जयंती मनाई है और साथ ही साथ उन्होंने सुशील मोदी को भी रगड़ दिया। अपने बयान में कहा है कि उपचुनाव हो रहा है बिहार में, फरिया लेंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से सुशील मोदी ने कहा है कि अब बिहार दौरे पर लगातार अमित शाह आने वाले हैं तो उसको लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि दो दो हाथ करेंगे, क्या कुश्ती लड़ना है क्या, अभी जब उपचुनाव होगा ना तो फरिया लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरीके से नित्यानंद राय ने बीते दिन कह दिया था कि बिहार में चुनाव करा लें समझ में आ जाएगा, तो उस पर भी तंज कसते हुए साफ कह दिया है कि रुक जाएं, पहले विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव करा लें उसके बाद समझा देंगे कि कैसे बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। देखिए ये घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव है। पहले वो बयान सुनाएंगे किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा सुशील मोदी और नित्यानंद राय पर जमकर बरस रहे हैं। कल अमित शाह आ रहे आपके बगल में सीताब दियारा, जनता दल यू राजद के लोग डर के मारे कांपते हैं अमित शाह के नाम से। अरे अमित शाह है, अमित शाह है, दुनिया आए थे नीतीश जी, अमित शाह ने ऐलान कर दिया है हर महीने बिहार आएंगे, पिछले महीने पूर्णिया आए थे, कल सीताब दियारा आ रहे हैं, अगली बार नालंदा आएंगे और दो दो हाथ करके दिखलाएंगे बिहार के अंदर कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उनको बिहार की जनता मजा चखाने का काम। दूसरा दौरा हुआ उनका बिहार का, लगातार बिहार में। देखिए कोई बिहार आवे कहीं जाए इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिस मकसद से वो आ रहे हैं उस मकसद में उनको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। नाक भी रगड़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ पूरे तौर पे गोलबंद है और हाल के दिनों में तो गोलबंदी और बढ़ गई है, तो इस गोलबंदी को देखते हुए लोग परेशान हैं और उस परेशानी के कारण आ रहे हैं तो आते रहे। सुशील मोदी कह रहे थे कि अमित शाह जो है अब नालंदा भी जाएंगे, नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने को तैयार है। अरे भाई कुश्ती लड़नी है क्या कि दो दो हाथ करने को तैयार, जिस रूप में करना हो कर लेना, इंतजार करें, अब तो चुनाव आएगा, चुनाव में फरिया लेंगे, वो नालंदा जाए कहीं जाए उससे क्या फर्क। बीजेपी लोग चैलेंज भी दे रहे हैं कि हिम्मत है तो अभी बिहार में चुनाव करा के दिखाइए। बीजेपी अगर कह रही है कि अभी चुनाव करा के दिखाइए तो उनकी शर्त को हम लोग मान लेंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होना है सब लोगों को मालूम, तो लोकसभा का चुनाव पहले करा दें उसके तुरंत बाद विधानसभा भी हम लोग करा देंगे। तो आपने बयान में सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि जो उपचुनाव हो रहा है ना बिहार में फरिया लेंगे उसी में। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि दो दो हाथ करेंगे, क्या कुश्ती लड़ने वाले हैं क्या बिहार में, और जब उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखें कि चुनाव अगर बिहार में कराना है ना तो पहले लोकसभा का चुनाव करा लें उसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उस समय देख लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से जेपी की जयंती मनाई गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सुबह माला अर्पण किया है और जदयू के प्रदेश कार्यालय में भी जयंती मनाई गई है जहां जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे हैं, बिहार सरकार की मंत्री मौजूद रही हैं, लेसी सिंह थी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे और साथ ही साथ जल्द ही जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन से दोनों सीटों पर उपचुनाव जो है उसका भी ऐलान जल्द ही होना है। और जिस तरीके से अब उपेंद्र कुशवाहा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में बिहार में राजनीति घटनाक्रम किस तरीके से बदलती है यह भी देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।